आपकी जो फॉरेन ऑफिस है वो तैयारी कर रहे हैं जी, हम नॉन परमानेंट सीट लेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो 2020-21 के लिए। तो आप क्या समझते हैं कर्नल साहब, इधर इथे तो चीन तोड़े घर आ गया वे, 5,000 फौजी अंदर वड़े ने, उधर तुसी सिक्योरिटी काउंसिल चले हो, ते की डबल इम्तिजाज की है, एक पास एक ग्रेट पावर तोड़े मुल्क दे विच वड़े आवे, दूजे पासे तुसी कहंदे हो कि असा बड़े वड़ी ग्रेट पावर बनना है, असा सिक्योरिटी काउंसिल जाना है, ते उथे जाके गल करोगे कि चीन जड़ा वे तोड़ी फौरन चीन दी फौजा तोड़े मुल्क चो बाहर निकल जान। देखिए, तुसी बहुत वधिया गल कीती है। ये मैं अपने चैनलों ते भी गल कर रहा, इसे यही लाइन मैं भी फड़ी हुई है कि जदों तक तुसी आप नू स्ट्रोंग नहीं करोगे, जदों तक तुसी अपने आप नू मजबूती दे नाल नहीं रखोगे चाइना दे खिलाफ, तुसी जिन्नी मर्जी डायलॉग कर लो, तुसी यूएन चले जाओ, तुसी अमेरिका दे गोडे फाड़ लो, कोई हासिल होने वाला नहीं है काम। जे तुसी इज्जत बख्श अपनी जमीन नू खाली कराना चाहते हो, ते तुहानू मुत्तैदी दे नाल ते दबंगाई दे नाल खड़ा होना पड़ेगा, ते ओदे लई तुहानू अपनी जिहड़ी जिहड़ा फाइनेंशियल सैक्टर है, इंडस्ट्रियल सैक्टर है और मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ओनू भी काफी वधाना पड़ेगा। उस तो अलहदा होर कोई तुहाडे कोल चारा नहीं है, बाकी सारी गल्लां आदियां ने। बिल्कुल ठीक है। ते कल साहब, तुसी ये महसूस नहीं कीता कि जड़ी इंडिया दी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है जिदे विच फौज दे लोग ने, ठीक है, जिदे तुसी भी हो और भी मैं काफी डिफेंस एनालिस्ट जिहड़े फौजी ने उन्होंने सुनिया है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, फॉर्मर एम्बेसडर, ये होर सोचते ने पे गल्लां जिहड़ी तुसी सोचण डे हो, गवर्नमेंट सरकार ते मीडिया एक पासे दा सोचण डे ने, ये दोवें गल नूं थल्ले दबण डे ने, ते जिहड़ी स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी वो कहिंदी भाई नहीं, असां तुहानूं पता है कि साडी कैपेबिलिटी की है, असीं की कर सकने हैं, क्योंकि तुसीं सर्व कीता है ना, तुहानूं अंदाजा है कि एक रियासत की कैपेबिलिटी की हुंदी है। ये मीडिया ते सरकार गल नूं थल्ले खिंचण डे ने कि हालात खराब ना होण चीन नाल, जदों कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी ये आंदी है कि नहीं, साडे कोल बड़ी कैपेबिलिटी है इकोनॉमी दे वाले नाल, साडे कोल वैपन भी है, असीं चीजां कर सकने हैं, सानूं असर्ट करना पड़ेगा, नहीं ते क्योंकि एस मीन एस एस साल सिर्फ 400 तो ज्यादा दफा फेस ऑफ हो चुके हैं, तकरीबन 12 महीने और 4 दफा तो ज्यादा चीनी जड़े ने वो इंडियन जड़ी वो जड़ी एलएसी ओनु क्रॉस कर चुके ने, ते ए ते तुहाडी सोवरेनिटी की बड़ी वड्डी वायोलेशन है, ये क्यों मतलब करके ये तफरीक है इंडिया दे मुख्तलिफ हल्कियां च। देखो, इनू समझना बहुत जरूरी है, ये पूरे हालात नू आपां जदों गल करदे हैं, ज्यादातर आवाम, ज्यादातर मीडिया, ज्यादातर जिहड़े नॉर्मल इदारे ने, उन्हां नू लगदा है जदों ये कोई चाइना दे नाल गल हुंदी है, साडा दिमाग सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल ते चले जांदा पाकिस्तान दी, ते सानू लगदा है कि जिस तरीके नाल पाकिस्तान दे नाल पट खड़कदे ने, उसे तरीके नाल आपां चाइना दे नाल खड़का दिए। लेकिन चाइना दी हकीकत, इंडिया दी हकीकत जिहड़ी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दी, वो वक्री है। वो की चीज च फर्क पैंदा हैगा, वो मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल ते भी नौकरी कीती है, पुंछ राजौरी सैक्टर च, कुपवाड़ा दे सैक्टर ते, उत्थे पाकिस्तानी पोस्टां जिहड़ियां ने कई थावां ते 25 गज 50 गज दी दूरी ते है, आपां एक दूजे नूं आवाज मार के एक दूजे दे नाल गल भी कर लैंदे हां, मां भैण दियां गालां भी कढ लैंदे हां, अपना गुस्सा ठंडा कर लैंदे हां, लेकिन लोड पैंदी है ते उत्थे गोली भी चल जाती है। ये इंडिया पाकिस्तान दा लाइन ऑफ कंट्रोल दा प्यार है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ते उत्थे कई थावां ते इंडिया दी फौज ते चाइना दी फौज 50 50 80 80 किलोमीटर दूर है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈ ਬਾਲ ਟੂ ਆਈ ਬਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ, ਫਲਾਣੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇੜ ਤੱਕ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਈ ਐਫ ਜੀ ਐਚ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1986-87 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੂਜਨ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੋਇਆ 1967 ਦਾ, ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 62 ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਰੋੜਾ ਪੁੱਠਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 80 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 300 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਵੇਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਥੂਲਾ ਤੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਲਦਾਖ, ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਦਾਖ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਨੌਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਬਾਈ ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਅਰਫੀਲਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਓਕ, ਦੁਰਬੁਕ, ਮਾਰਗੋ, ਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਟੀਕਲ ਇੰਟਰੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਲਵਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ जी ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੱਟ ਖੜਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਪੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी कैल साहब, आपकी बात सही है। मैंने आपको कहा था कि हम पंजाबी और उर्दू में लगे रहेंगे, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे सिंध से हैं, आपके बहुत सारे इंडिया के इलाकों से हैं जिनको वो समझ नहीं आ रही कई दफा पंजाबी की, तो इस तरह हम उर्दू पंजाबी शिफ्ट होते रहेंगे। कैल साहब ये बताएं कि आप पाकिस्तान की LOC पे तो आप फटाफट गर्म हो जाते हैं, LAC पे चाइना आ भी जाए तो आप कहते हैं हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं नहीं वो हमारे मौजूद है। जो मैं आपको लॉजिक देने लगा मुझे उस लॉजिक के तहत समझाइएगा। देखिए, इस वक्त इंडिया चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 अरब डॉलर के करीब है, और इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं आप चाइना से, और 15 अरब डॉलर की ऑलमोस्ट आपकी एक्सपोर्ट है वहां पर। अच्छा कल साहब ये बताएं कि अगर हालात खराब हो जाए तो डेफिनेटली ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा ख्याल ये है कि ये जो 85 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे आपकी फैक्ट्रियां, बाजार, गलियां चलती हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप इंडिया पे, चाइना पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है तो फिर आपकी डिपेंडेंस तो उन पे है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये इंडिया जो इतना पैसिव है, जो इतना वीक चल रहा है चाइना के हवाले से, क्योंकि हर बंदा ये कह रहा है, जो ओवरऑल नैरेटिव बिल्ड हो रहा है दुनिया में वो यही है कि इंडिया इस बात को नीचे खींच रहा है, ठीक है जी, और अमेरिका समझता है कि हमने इंडिया पे बड़ा पैसा लगा रहे हैं। उधर से उन्होंने जो पैसिफिक कमांड थी अमेरिका ने उसको इंडो पैसिफिक कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से आप डायलॉग कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का आप हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि हम तो इन पे बड़ा पैसा लगा रहे हैं, ये कोई जज्बा नहीं दिखा रहे उधर से जो है। तो ये 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड का मसला है कि आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, या कि इंडिया बहुत सियाना हो गया है? इंडिया ना सियाना हो गया है ना दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका जो पहला सवाल था, सवाल का पहला हिस्सा जिहड़ा सी, उहदा जवाब देवांगा। पहले आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान की बात होती है फिर तो मामला बड़ा बल्ले बल्ले हो जाता है, तुसी मुछां नूं फटाफट वट दे देंदे हो ते आवाज ला देंगे कि आ जा भाई किथे आना हैगा, ते चाइना दे जदों चाइना दी गल होंदी है ओह तुसी ठंडे पै जांदे हो। इसके पीछे कारण है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। कारगिल के लड़ाई से पहले जब कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना ने इंट्रूजन किया, अब इसको आप कंपेयर करिए, गलवान की पहाड़ियों पर चाइना ने इंट्रूजन किया, कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान इंट्रूजन किया। जो पाकिस्तान का इंट्रूजन था वो हमारा श्रीनगर ले वाला जो रोड था उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था। अभी गलवान में उसने चाइना ने इंट्रूजन किया है और वो दौलत बेग ओल्डी वाला जो रोड है उसको डोमिनेट कर रहा है। दोनों सिचुएशन बराबर है, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि जब हिंदुस्तान ने आइडेंटिफाई करी, हमारी जो पेट्रोल ने जब आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसपैठ कर दी है, तो हमारी पेट्रोल के जो कैप्टन सौरभ कालिया थे उनको पकड़ा, पकड़ के उनकी आंखें निकाल दी, उनके हाथ पैर काट दिए और बॉडी को टुकड़े टुकड़ों में करके और इंडिया की साइड में फेंक दिया। तो ये था
पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री डिप्लोमेसी। आप आ जाइए गलवान साइड में, गलवान साइड में एक भी गोली नहीं चली, कोई इस पार का की बात नहीं हुई, हमारी पेट्रोल भी उधर गई, उनकी भी आई, आपस में पत्थर चले, उससे ज्यादा फालतू कोई बात नहीं हुई। चाइना के लेवल पर भी कोई इस टाइप की बात नहीं हो रही है, इंडिया के लेवल पर भी कोई इस प्रकार की बात नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि अभी हमारी डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। जब पाकिस्तान के साथ होता है तो डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं हो रही होती, गोली से बात होती है, तो वहां का माहौल अलग है। अगर चाइना भाषा बदली कर दे, अगर चाइना मान लेते हैं कि चाइना भाषा बदली कर दे तो वो साढ़े ते गोली चला दे ते तो लगता है कि असी चुप बैठांगे, तुहाडा की विचार है? वैसे तुसी चाहते हो कि असी चुप बैठिए ते चाइना आ जाए ते सानू रोड दे, लेकिन इदा की कार्रवाई नहीं होगी। इंडिया काफी काफी स्ट्रोंग हैगा, ते तुसी ओ हवाले ते परेशान ना होए, नहीं फील कंफर्टेबल अबाउट दैट। या कल साहब वो बात ठीक है, हम नहीं चाहते इंडिया और चाइना की लड़ाई हो, हम तो चाहते हैं मसला सुलह से हो, लेकिन जब आपकी सॉवरेनिटी की वॉयलेशन हो जाती है तो आपको तकलीफ नहीं होती कि आपके हम थोड़ी सी 1 इंच उधर चले जाएं तो आप कहते हैं जी हमारी बिस्ती हो गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो पता नहीं की गल्ला करने लग पेंदे हो। तो अगर चीनी जो है वो अंदर घुसे हैं तो आप कहते हो खैर है, हम दो बड़े मुल्क हैं, हम देश बड़े हैं, हम कर लेंगे, हम हो सकता है, तो अड़ी इज्जत की डेफिनेशन बदल क्यों जाती है चीन वाली? दिस इज माय पॉइंट। मैं तुहानू दसदा हैगा, आ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, क्योंकि असल दे विच ये है कि असी इंडिया ते पाकिस्तान टेलीविजन वेखदे हैं, साडी भारत चाइनिया दे नाल नहीं मिलदी, तो उन्हां दे टेलीविजन नहीं वेखदे आपां, ते उन्हां दा जिहड़ा मीडिया वह बड़ा कंट्रोल्ड है। तुहानू यह नहीं दस्सिया किसी ने कि इंडिया भी किते किते अंदर वड़िया होया है, इंडिया ने भी जोर लाया उसे, उसके बारे कोई नहीं दस रहा, ना कोई तुहानू दसेगा, लेकिन चाइना नू पता हैगा। तो जे वो इधर आया है तो ये तुसी मान के चलो कि आप भी अपनी परसेप्शन लाइन से अंदर बैठे हुए हैं, गल्लां जदों हुंदियां ने तो वह बराबरी के दर्जे पर हुंदी है, तो वह बराबरी का दर्जा हो सकता है, मैं कह नहीं रहा, हो सकता है कि आप हासिल किया होया तो जाके आप गल्लां कर रहे हैं। असी इंडिया से पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम वेख के अपना ओपीनियन ना बनाए बना, वो मेरी गुजारिश है, क्योंकि ग्राउंड के उत्ते मैं नौकरी की है जदों इस तरीके के काम होंगे सके, साढ़े टाइम भी होंगे सी, ते मैं 2004-2005 की गल कर रहा, मैं भी चाइना के नाल चाइनीज के नाल बह के बैंक मीटिंग की, उन्होंने फौजिया के नाल मैं भी मोडे के नाल मोडा धक्या है, तो वह सारे काम असी किए हैं, ते सानू पता है कि वह क्या कार्रवाई होंदी है, ते डोंट गो बाय द फैक्ट कि वह साढ़े च एरिया दे विच आ गया है ते असी बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हैं, ऐसा नहीं है। तुसी मान के चलो कि असी भी ते जरूर बैठे होवांगे जिथे चाइनीज नू तकलीफ हो रही होगी। बिल्कुल सही है कल साहब, जारी बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये नहीं है कि भारत एक कमजोर मुल्क है, भारत एक बड़ा तकड़ा मुल्क है और उसने अपने आप को मनवाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते इंडिया ने एक जो अपना फेस है दुनिया के सामने वो तो लेके गया, उसको मानना पड़ेगा, और खित्ते की बड़ी ताकत है इसमें। हम ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो मैं फैक्ट्स को इग्नोर कर दूं या मैं रियलिटी को इग्नोर कर दूं और कहूं नहीं जी इंडिया के बारे में बात होनी है तो बस जी नीचे ही गिराना है। देखिए पढ़े लिखे लोगों में यही होता है सर कि हम एक फैक्चुअल बात करें, थोड़ी इंटेलेक्ट करने की बात करने की कोशिश करें, क्योंकि व्यूअर्स आते हैं वो देखते हैं कि यार वो टीवी में तो बड़ा सारा टाइम लड़ाई हो रही होती है, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको थोड़ा डायलॉग भी करना चाहिए ताकि एक सेन पर्सपेक्टिव आए कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कल साहब उधर से आपने ऑस्ट्रेलिया से डायलॉग करना शुरू कर दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी ऑस्ट्रेलिया से बन गई, आप क्या समझते हैं आपका जो इंडो पैसिफिक है वहां पे क्या हो रहा है? एक तरफ तो अमरीकी कहते हैं जी कि एशिया इज पिवट, वो कहते हैं जी कि इस एशिया में अब हमने सारे बिजनेस करने हैं, क्योंकि वो सार्क सॉरी असार्क तो छोड़े आसियान जो है उसको हमने एक्टिव करना है और उसमें एंटर होना है। फिर उधर से मैंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात की, फिर फ्रांस वाले समझते हैं कि उनकी ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडो पैसिफिक में। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जो भी मुल्क इस खित्ते में आएगा वो भारत के ऊपर भार डालना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे चीन के मुकाबले में खड़े हो।
तो आप समझते हैं कि इंडिया की ये कैपेबिलिटी है कि वह दुनिया की जितनी ग्रेट पावर्स हैं उनके साथ एक अलायंस करके इंडो पैसिफिक में अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मेंटेन करे, या इंडिया के पास ये अच्छा मौका है कि वो वहां पे इंडो पैसिफिक, मैं ओशंस की बात कर रहा हूँ और उन ममालिक एरियाज की बात कर रहा हूँ, कि वहां अपने आप को एक ओशियनिक पावर करे और यहाँ खित्ते से बाहर निकले? यही वजह है कि आपने शायद सार को डिसफंक्शनल कर दिया और मोदी साहब ने अपने 2019 के जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने जो नए तरह के वोट जो लोग हैं वो एशिया पैसिफिक के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है, जब मैं मिलिट्री बोलता हूँ तो उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके बारे में बात करता हूँ, ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का फोर्स लेवल है। जो नेवी है वो वर्ल्ड के अंदर आज की तारीख में फोर्थ लार्जेस्ट नेवी है। इसमें न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है, इसमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर की फोर्स है, इसके अंदर एक बहुत वास्ट फ्लोटिला है ऑफ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड सबमरीन, जो कि ओशियनिक पावर बनने के लिए उसको प्रोपेल करता है। ए बी, हिंदुस्तान का आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 450 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है। हिंदुस्तान के पास मिनरल वेल्थ बहुत जबरदस्त है। हिंदुस्तान के अंदर जो कमियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर लेबर रिलेटेड इश्यूज जो है वो एक बहुत बड़ी कमी है, और जो सबसे बड़ी कमी जो मेरे को आज की तारीख में लग रही है कि हमारी जो सोसाइटी है वो अभी दो हिस्सों में बटी हुई है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तानी मुसलमान का जो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, जो कि इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सब एक साथ अगर बढ़ेंगे तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम किसी एक कम्युनिटी को दरकिनार करके उसको छोटा दिखाकर आगे नहीं बढ़ सकते, और ये एक फीलिंग जो है ये काफी है लोगों में। और मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं ट्विटर पे देखता हूँ कि कैसे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, कई लोग, सारे नहीं, बड़ी खुशी मना रहे हैं कि चाइना आ गया और अब क्या होगा और उस तरीके से। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात को लेकर परेशान हुई, क्योंकि एक घर के अंदर एक भाई अगर आपसे तल्ख हो जाए, उसके साथ में तल्खियां हो जाए, तो वो पूरे माहौल को अच्छा नहीं, मुंह में जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। तो ये एक हिंदुस्तान की एक बड़ी ड्रॉबैक है आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ज्यादा देर ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो निचले स्तर पर, जो गांव लेवल पे और जो आम जो मेरे जैसे लोगों के लेवल पे जो बातचीत होती है, बड़े दोस्ताना होती है और बड़े खुशगवार माहौल के अंदर वो बातें होती है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो एक मैसेज है, जो सेंटीमेंट है, उसको सेटल करना, ये शायद हमारे लीडर्स का काम है और उनको करना चाहिए। तो वो एक हमारा एक ड्रॉबैक है जब हम बात अपने आप को सुपर पावर बनने की या रीजनल पावर बनने की बात करते हैं, तो ये एक जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं हमारे जैसा जो मुल्क है उसको शोभा नहीं देता है, और मेरे ख्याल से हम इसको करेक्ट भी कर पाएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि हम में किसी भी लेवल पे कोई इस टाइप की कोई कमी है कि हम जो है उस आगे, चाहे वो एशिया का पिवट हो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के अंदर आप डोमिनेंस हो, वो हम नहीं कर सकते। वो हम बिल्कुल कर सकते हैं, वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो दमखम है, तभी अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। और ये मैं और एक चीज वाजे कर दूं कि अमेरिका जितने भी डोरे डाल दे, हम बड़े ही न्यूट्रल किस्म के लोग हैं और हम किसी भी हालत में अमेरिका के झांसे में नहीं आ जाएंगे, और अमेरिका को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारा एतबार हासिल करने के लिए। वो इतना आसान काम नहीं होगा और बहुत ही गिव एंड टेक पे होगा। बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो आपने करी, जी 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 चाइना के साथ में
अगर ट्रेड जो हमारा जो डिफरेंशियल है अगर वो तनातनी होती है तो वो रुक जाएगा, तो फिर कैसे होगा काम? बिल्कुल सही है, उससे फर्क जरूर पड़ेगा। उससे फर्क पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल बेस है चाइना का, वो बहुत सस्ते में हिसाब किताब करके देता है, और उससे एक प्राइस लेवल जो है वो एक लेवल तक रखने में काफी मदद होती है। लेकिन अगर फर्ज करिए कि वहां पर बॉर्डर पर तनातनी हो जाए और हमारा ट्रेड जो है बंद हो जाए, तो हिंदुस्तान घुटने आ जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस राइज जरूर हो जाएगा, जैसे स्टील है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनकी प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में जैसा मैंने बोला कि बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत ज्यादा बहुत कुवत रखते हैं हिंदुस्तान का जो इदारा है कि वो इस मैटर को वो जज कर लेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 450 से ज्यादा बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन इसमें बड़ा नुकसान किसको होगा? बड़ा नुकसान लार्जर गेम में चाइना को होगा, क्योंकि चाइना इतने बड़े मार्केट से महरूम रहे ये वो बिल्कुल कतई पसंद नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही चाइना है। भी कोशिश कर रहा है, चाइना भी जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, आप जो है अमेरिका के साथ में मिलके, और आप गलतफहमी में मत आ जाइए, आप मेरे को घेरने की कोशिश मत करिए, मैं आपका बड़ा भाई हूं और मेरे साथ आपको रहना है, तो आप वैसे रहिए जैसे मैं चाहता हूं, और मेरे को भी आने दीजिए और मेरे को भी उतनी इज्जत दीजिए जितनी आप औरों को दे रहे हैं। तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब वो कितना कामयाब होगा ये आपको और मेरे को कुछ दिनों में पता लगेगा। अच्छा कल्सर, ये बताएं कि आप बात थोड़ी जरा इधर की भी कर लें, बड़ी पॉलिटिक्स की तो बात हो गई। आपने वो देखा होगा अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को किस तरह कत्ल किया गया और मारा गया, और वो जो सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हो गई, तो अब उन्होंने अमेरिका में नारा लगाना शुरू कर दी जी, ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है जी, कि जो काले हैं वो भी, उनको भी इंसान समझा जाए, उनको जो है वो, उनको क्यों इज्जत नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान में एक नारा लग रहा है कि जी ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वाई तो कश्मीर लाइव्स क्यों मैटर नहीं करती? वहां पे क्यों जो है वो इंडिया बिल्कुल जो है वो अपनी मर्जी से मनमानी करता है, एक हैवीली मिलिटराइज जोन है, ना इंटरनेशनल मीडिया को जाने देता है, ना यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर को जाने देता है, ना इवन के राहुल गांधी को रोक दिया गया था, आपको पता होगा, उनको वापस भेज दिया गया था श्रीनगर से कि आप नहीं जा सकते, और आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अकेले बंद दुकानों के सामने समोसे खा के वापस आ गए थे। तो क्यों ब्लैक लाइव्स मैटर, व्हाई नॉट कश्मीर लाइव्स मैटर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्लैक लाइफ मैटर, व्हाइट लाइफ मैटर, ब्राउन लाइफ मैटर, कश्मीरी लाइफ मैटर, तिब्बतियन लाइफ मैटर, बलूची लाइफ मैटर, पख्तून लाइफ मैटर, सिंधी लाइफ मैटर, अफगानी लाइफ मैटर, एवरी लाइफ मैटर। हर एक इंसान को अपनी लाइफ के ऊपर उसके इंसानी हकूक का हक है, और सबकी लाइफ मैटर है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई इसमें किसी का कोई भी मौकिफ इसके अलावा हो तो मेरे ख्याल से वो शर्मनाक है। अब जहां तक कश्मीर का स्पेसिफिक हवाला दिया आपने कि वहां पर यूनाइटेड नेशंस को लो ऑब्जर्वर्स को नहीं आने दिया जाता, इंटरनेशनल मीडिया को नहीं आने दिया जाता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ना दिया जाता है ना दिया जाएगा, क्योंकि वो मुदाखलत मानी जाती है। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, हिंदुस्तान जो है अपने तरीके से उसको डील कर रहा है। कश्मीर के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है, वहां वीडियो आने तो बंद नहीं हुए, वहां से इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट तो बिल्कुल नहीं हुआ, वहां से गुफ्तगू भी चलती है, तो वो सारी कार्रवाई हो रही है, तो उस प्रकार से नहीं है। अब हिंदुस्तान के अंदर बड़ा एक अलग हिसाब किताब है। आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे कि कैसे हमारे जो सेंट्रल पुलिस के जो जवान हैं उनके ऊपर लोग पत्थर मारते हैं और वो अपना बचाव करते हुए निकल जाते हैं, ऐसे कई सारे विजुअल देखे होंगे आपने। ऐसी स्थिति, आप ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में सोच सकते हैं कि ऐसे हो सकता है? मान लो कि खैबर पख्तूनवा में ऐसी स्थिति हो जाए या बलूचिस्तान में हो जाए कि पाकिस्तान के फौजियों पर पत्थर पड़ रहे हैं और वो अपने आप को बचाते हुए और निकल आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान में होता है क्योंकि उसका कारण है। अगर हिंदुस्तान का फौजी कोई उल्टी सीधी हरकत करता है या अपने जरूरत से ज्यादा फोर्स का कर इस्तेमाल करता है,
तो बहुत बहुत सख्त कार्रवाई होती है। ये मैं आपको इतनी जिम्मेवारी से कह रहा हूं क्योंकि मैं, मेरा कश्मीर के अंदर 8 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, वहां पे छोड़ा नहीं जाता है। अगर आपको एक, मैं आपको केस बताता हूं, एक मेजर गोगोई की बड़ी एक वीडियो हुआ था जिसमें उन्होंने जोंगे के ऊपर बिठा के और वो कश्मीरी को बिठाया और अपने फौजियों को वहां से बचा के लेके आए। मेजर गोगोई वहां पे गोली भी चला सकते थे। अगर वो गोली चला देते तो मेजर गोगोई का हिंदुस्तान का जो इदारे हैं वो भूत बना देते। ये उसकी मजबूरी थी कि उसको एक आदमी को बिठा के आना पड़ा। मैं उसकी उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं। वही मेजर गोगोई कुछ दिन के बाद में कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए। उनके खिलाफ बहुत सख्त फौजी कार्रवाई हुई। और मैं अपने खुद के तजुर्बे से आपको बता दूं कि मैंने कई बारी इस प्रकार की कार्रवाइयां होते देखा है, जेएनके में भी नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखा है और भी हिंदुस्तान की कई इलाकों में देखा है। जब भी कभी आप अपने मैंडेट से ज्यादा कार्रवाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत सख्त कार्रवाई होती है और उसके कोई गुंजाइश नहीं होती। एक मैं वाकया आपको बताऊंगा, आज से काफी साल पुराना वाकया है, कश्मीर का ही ये वाकया है, सन 2000 की बात है, जहां पर एक अधिकारी ने कुछ थोड़ा सा गलत काम कर दिया और वो गलत काम जो है वो उजागर हो गया, वो पता लग गया। और वो जो सेना का जो अधिकारी था, जो ऑफिसर था, उसको एक तगमा मिला था कुछ समय पहले। उसको एक बहादुरी का तगमा मिला था, उसके अंदर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन जो हुई थी, उसमें जो फॉरेन टेररिस्ट थे उनको मारा था, बहुत बड़ा काम किया था उसने, काफी मशहूरी हुई थी। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई जो मैं आपको हवाला दे रहा हूं, उसका कोर्ट मार्शल चला और उसको 7 साल की कैद हुई। वो तिहाड़ जेल में 7 साल कैद रहा, उसका रैंक छीन लिया गया, उसको फौज से निकाल दिया गया और उसका तगमा वापस ले लिया गया। ये हिंदुस्तान का कानून है और हिंदुस्तान की ये ताकत है, मॉरल ताकत है, जिसकी वजह से चाहे माफ कीजिएगा, वो आपका आपके कंट्री का अपना स्टैंड है, वो आप लेते हैं, जो भी कुछ करते रहिए। कश्मीर के अंदर इक्का दुक्का घटना जरूर होती है, बट उस पैमाने पर नहीं होती। उसका कारण यह है कि मॉरल हाई ग्राउंड इतना स्ट्रांग रखती है इंडियन आर्मी वहां पर कि नहीं, वो नहीं हो पाता है। और जहां भी कहीं कमजोरी होती है वहां पर एहतजाज होता है, पत्थर भी चलते हैं, बट ओवरऑल ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा कत्लो गैरत मची हुई है, क्योंकि कश्मीरी, अगर आवाजें जाएंगे, अगर आप ट्विटर पे कश्मीरी आवाज भी देखेंगे तो दोनों तरफ की बात होती है, आजादी की भी बात होती है, हिंदुस्तान की बुराई भी होती है और बहुत सारी एक मेजोरिटी है जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी भी हुई है। मैं आपको और वाजे कर दूं, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुखातिब हूं, जिस सोसाइटी में मैं वहां रहता हूं, हमारे यहाँ पर 5-6 कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज रहती हैं और हम लोग एक दूसरे से काफी मिलते हैं, जबकि मैं तो फौजी हूं। हम लोग खूब अच्छी तरह मिलते हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और अभी ईद हुई थी तो हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी, बड़े खुशी खुशी देते हैं, बहुत खुशगवार और अच्छा माहौल रहता है। तो ऐसा नहीं है, कई बारी जो दिखता है वो सही नहीं होता। जी, आपकी बात जारी बात है, एक इंडियन सोल्जर का पर्सपेक्टिव है जिसने आपने बताया कि आपने मेरे हाल 8 साल वहां सर्व किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका एक आंखों देखा हाल है और आप समझते हैं कि वो सिचुएशन नहीं है। तो कल साहब ये बताएं कि आप अगर इतनी हाई मॉरल ग्राउंड है वहां पे, एक आधा सवाल, एक और सवाल कश्मीर पे और फिर हम आगे चलेंगे। अगर इतनी हाई मॉरल ग्राउंड है कश्मीर के अंदर आपने कहा, तो कल साहब ये पिछले 30 सालों में 1 लाख बंदा शहीद हो चुका है वहां पे, तो ये किस तरह की हाई मॉरल ग्राउंड है जो आपको ऑन एवरेज जो है हर साल इतने हजारों बंदे मर रहे हैं? और कर्नल साहब ये भी जरा बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो एक नई फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई है, जो बुरहान वानी और रियाज नेकू के बाद जो एक एक ये जो यूथ है इंडिया की,
क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि हम इंडिया जो जो कश्मीर है उसको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरली अब सपोर्ट कर रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान वहां पे जो था वो सपोर्ट कर रहा था कि जब जहाद हो रहा था तो हम कहते हैं हम करते थे सपोर्ट, लेकिन अब समझता यह है कि एक लोकल स्ट्रगल चल रही है, लोकल स्ट्रगल जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और वो यूथ जो है किसी की सुनती भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, तो हाई मॉरल ग्राउंड पे बताइएगा, और दूसरा ये जो नई एक वेव आई है कश्मीर के अंदर जो स्ट्रगल की वेव आई है, इसको भारत का एक रिटायर्ड कर्नल जिसने एक बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीजों को वहां पे देखा, वो कैसे देखता है? आप देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है और अभी भी है। अब मैं इसको आपको इंडियन पर्सपेक्टिव समझाता हूँ कि वहाँ पे लड़ाई कैसे चल रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप लोगों ने उस चीज़ को देखा नहीं है और आपके फौजियों ने भी नहीं देखा है। वो यहाँ पर कैसे गेम चलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 89 में चलते हैं पहले। 89 में जो उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 87-88 में, उसमें फारूक अब्दुल्ला की सरकार हार गई थी और लेजिटिमेटली हारी थी। लोग बहुत दुखी थे फारूक अब्दुल्ला से, और फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शंस को रिग किया और रिग करने के बाद वो काबिज हो गया। तो बहुत ज्यादा गुस्सा था कश्मीर घाटी में और हजारों की तादाद में कश्मीरी जो है, मेरे को याद है तब मैं भी छोटा ही था, 12वीं 11वीं में पढ़ता था, तो गाड़ियों में भर भर कर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उतर जाते थे। और इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लोग बड़े आराम से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में निकल जाते थे और निकल गए, और 6 महीने के बाद में वही लोग हथियार लेके आए। जब मैं कमीशन हुआ 92 में, और जब मैं फर्स्ट डिप्लॉयमेंट वहां पे देखा, तो मैं हैरान हो गया कि वहां पर इतने सारे लोग। उस समय बहुत सिचुएशन डिफरेंट थी। जैसे हम अफगानिस्तान की तस्वीरें देखते थे, हालत वो थी। कश्मीरी मुसलमानों ने हिंदू जो कश्मीरी थे उनके घर जला दिए थे, उनकी औरतों के साथ में बहुत रेप हुआ, बहुत कत्ल गैरत हुई और उनको वहां से भगा दिया। 3 से 4 लाख हिंदू जो है वहां से खदेड़ दिया गया, जम्मू में उनका कैंप लग गया। तो ये सारी चीजें हम अखबार में पढ़ते थे, लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि जब रोड पे कॉन्वॉय जब गया, जब पहली बार मैं आपको मंजर बता रहा हूं कि जब मैं गया तो मैंने कई घर जले हुए देखे। तो मैंने पूछा ये घर क्यों जले हुए हैं, कौन है ये? तो पता लगा ये कश्मीरी पंडितों के घर हैं, ये जलाए गए हैं। तो बहुत ही एक अलग किस्म का महसूस हुआ कि यार ये हिंदुस्तान में ये कैसे हो रहा है। और फिर हम वहां पे डिप्लॉय हो गए और धीरे धीरे हमने सीखा कि हर गांव में जो है 10-10, 20-20 लोग जो है हथियार लेके और जंगलों में निकले हुए हैं। हर रोज एनकाउंटर होते थे और वहां पे पुलिस जो थी वो नकारा हो गई थी। पुलिस थाने को कोई नहीं मानता था, पुलिस वाले भी करके हमारे पास ही आ जाते थे। सिचुएशन बहुत गंभीर थी। और अगर आप मेरे से पूछे तो अगर हिंदुस्तान की फौज वहां पे उस तरीके से ना खड़ी होती तो शायद पाकिस्तान ने वो कश्मीर ले लेना था। वो कश्मीर पाकिस्तान का हो गया था 92 से लेके और 95 तक। सिचुएशन बिल्कुल अलहदा थी, लेकिन फिर उसके बाद में सिचुएशन बदली होना शुरू हुई। बदली कैसे शुरू हुई? हमने धीरे धीरे बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जो पाकिस्तान से जो ट्रैक आते थे उनको रोकना शुरू कर दिया। और बहुत बाद में आके तो खैर, अभी तो खैर वहां पे तारे लग गई हैं, वो हो गया। उसके बाद हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा हो गया। तो अब जब मैं वहां पर बाद में फिर पोस्टिंग मेरी हुई और सन 2000 में जब मैं वहां पे था और मैंने वहां पे काफी लड़ाई लड़ी, खुद लड़ाई लड़ी और मेरे को भी एक गैलेंट्री अवार्ड मिला वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस एनकाउंटर में मैंने 2 आतंकवादी मारे थे उसमें एक लड़का सिंध का था और एक लड़का लोकल कश्मीरी था, और जो लड़का सिंध का था उसके पास में आई कार्ड था।
अभी शायद अगर मेरे पास कोई पुरानी फोटो होगी तो चीमा साहब आपको मैं वो फोटो आपको जरूर व्हाट्सएप करूंगा। तो लड़ाई हमारी अच्छी चली थी, 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बहुत जबरदस्त हमारी लड़ाई चली और उसके अंदर ये कार्रवाई हुई। और इसके पास, लड़के के पास जो वो कार्ड था, वो क्लियर कट बता रहा था कि वो किस तरीके से जो ISI मैनेज्ड जो सिस्टम है उसका आई कार्ड लेके जो इंडिया में घूम रहा था, और एक आईडी एक्सपर्ट था वो, तो उसका क्या नाम था और इन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। तो वो जो टाइम था उसमें हमने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग किया और एक होड़ मच गई वहां पर, एक होड़ मच गई कि जैसे ही कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट इलाके में आता था, कौन सबसे पहले फौज को खबर दे दे। ऐसे तो भाई मैं दिल्ली का लड़का, वहां पे लड़ाई रहा, मुझे क्या पता कि कौन क्या है, मेरे को कोई बताएगा तभी पता चलेगा ना। तो उस समय हम एक पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो इंफॉर्मेशन के लिए 10,000 रुपये देते थे, बड़ा कम था, आज की तारीख में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए जो है एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को जाता है, तो वो रेट का भी फर्क है। तो एक होड़ मच गई, इकोनॉमिक्स मैटर, देखो हमें ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए, इकोनॉमिक्स मैटर। और जो कश्मीरी आतंकवादी था उसके लिए हम ज्यादा पैसे नहीं देते थे, और हमारी कोशिश थी, ये हमारी स्ट्रेटजी थी, कश्मीरी लोकल लड़के को हम कोशिश करते थे कि हम सरेंडर करा लें, हम उसको मारते नहीं थे, लेकिन अगर लड़ाई होती है, लड़ाई में मर गया तो मर गया। ये कार्रवाई चलती गई चलती गई चलती गई, और 2007 के बाद हमारी वहां पे फेंस बन गई, तो पाकिस्तान से जो सपोर्ट आती थी वो धीरे धीरे कम होती गई। और एक स्थिति ये आ गई कि पाकिस्तान को ये लगने लगा कि हमारे हाथ से कहानी चली गई। तब 2010 के आसपास बहुत पत्थरबाजी शुरू हो गई और एक इंतफादा टाइप की एक एक मुहिम चली कश्मीर में, दो 3 साल बड़े जोर शोर से चली, और धीरे धीरे उसको भी काबू किया गया। आज की तारीख में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमर चीवा, कि ज्यादातर जो लड़के जो अभी टेररिस्ट बने हैं और जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो लोकल लड़के हैं। अब ये जो ग्राउंड लेवल पर कश्मीर के अंदर इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है ये भी मैं आपको बताऊं। जो फ्रंट लाइन पर है वो कश्मीरी लड़के हैं, क्योंकि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। और वो जो खेप है वो कम होती जा रही है। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीडरशिप है वो अभी पाकिस्तानियों के हाथ में है। और एक और मैं बात बता दूं अपने तजुर्बे के साथ, कि पाकिस्तानी जो लड़के हैं वो अच्छी लड़ाई लड़ते हैं और काफी जम के मुकाबला होता है, बहुत ही तगड़ा मुकाबला होता है। और कश्मीरी जो लड़का होता है वो ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता, वो बहुत जल्दी हथियार ऊपर कर देता है या वो मारा जाता है। और अगर कोई पाकिस्तानी फंस जाए तो लड़ाई अच्छी चलती है और थोड़ी लंबी चलती है। तो ये मैं एक आपको क्लियर कर दूं, इस प्रकार से जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और इसमें बहुत सारा, जैसा मैंने बोला इकोनॉमिक्स मैटर, इसमें बहुत सारा हवाला से पैसा आता है। हमारे यहाँ पे हुर्रियत के जो लीडर थे और जो हुर्रियत का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इसका बहुत अहम रोल था इस फंडिंग को अरेंज करना और वहां पे पहुंचाना। तो अभी उस पूरे जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको तोड़ने में लगी हुई है हिंदुस्तान की जो जो मरकज है। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2000 के आसपास कश्मीर की जो पुलिस थी वो नकारा थी, उसको कोई भी आके चेड़ मार जाता था, कोई भी कुछ भी कर जाता था, उसे कोई नहीं पूछता था। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में चाबी है, उसकी बहुत जबरदस्त पकड़ है कश्मीर के ऊपर, और हिंदुस्तान की फौज जो है अभी वो पीछे है। जितने भी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 1 जनवरी से लेकर अभी तक 75 आतंकवादी जो है मारे जा चुके हैं, और ये हवा से
मतलब कि उतरे और हमने नीचे से गोली चला दी क्योंकि यह दिख रहा था, ऐसा नहीं था। जैसा मैंने बताया, इकोनॉमिक्स मैटर एंड दे आर किंग। बहुत सारे कश्मीरी लड़के जो हैं वो मेनलैंड इंडिया में बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। हर एक आदमी खुशहाली चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। तो वहां पे डायनेमिक्स जो है चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स चेंज हो रहा है और पाकिस्तान को ये अच्छी तरह समझ में भी आ रहा है। और 370 हटने के बाद में इस डायनेमिक्स में बहुत तेजी से बदलाव आया है। आपको सैयद सलाउद्दीन का आपको वो जो है टेप दोबारा सुनना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने उस तरीके से नहीं किया जैसे करना चाहिए था और हमसे गलती हो रही है। और तो ये एक एक हकीकत है, ये फैक्ट है। और क्योंकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का पुराना मसला है तो ये आगे चलेगा। और अगर हम सोचें कि वहां से हम फौजें वापस कर लेंगे और यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर आ जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा और राहुल गांधी वहां जाकर पॉलिटिक्स करेंगे, तो चीमा साहब आप भी समझते हैं कि ये बिल्कुल अहमक पना हो जाएगा। इतना सेंसिटिव मैटर है वो, हम अपने जितनी हमने अभी तक वहां पर गेंस करे हैं उनको हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी उसको आप जामा पहना लें। आप शायद कहने ये लगे थे कि इतना सेंसिटिव मैटर है, इसे हम कांग्रेस के हाथ में नहीं दे सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसमें बिल्कुल आपको एक चीज और वाजे कर दूं, ये राहुल गांधी वही हैं जब दोखला में चाइना के साथ में जब तनातनी हुई थी आज से 2-3 साल पहले, ये राहुल गांधी जो है दौड़ के चाइना के एम्बेसडर से चोरी छुपे मिलने चले गए। और इनकी जो मुलाकात उस चीनी वजीर के साथ हुई, सफीर के साथ हुई, वो वाजे हो गई, वो सारी इंटरनेट पर आ गई और उनको बड़ी काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। ये वही कांग्रेस है जिसने जान के जो है कश्मीर का मुद्दा जो है उलझाया, इतने सालों तक उलझा के रखा। और कमर चीमा साहब, मैं आपको फिर से वाजे कर दूं कि इकोनॉमिक्स मैटर, ये जो कश्मीर में जो दुकान चल रही थी इसमें पाकिस्तानी भी पैसा बना रहे थे, इसमें कश्मीरी भी पैसा बना रहे थे, और ये जो कांग्रेस पार्टी और ये जो लोग थे ये भी खूब पैसा बना रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो भी पैसा बना रहे थे, जो मर रहा था वहां पर वो आम कश्मीरी मर रहा था और एक 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 सैनिक मर रहा था जो कि गांव से आता है। बड़े कल सर, बड़े राजनेताओं के लड़के नहीं आते फौज में, गांव से और मिडिल क्लास के बच्चे जो है फौज में जाते हैं। तो ये लोग मर रहे थे और ये और बाकी जो लोग हैं वो मजा ले रहे थे। ये वही कांग्रेस है जिनके मनीष शंकर अय्यर लाहौर में जाके कहते हैं कि हमें मिलकर मोदी को हटाना है। मैं जो कह रहा हूं बहुत सोच समझ के और बड़े तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं, जी हाँ, राहुल गांधी को कश्मीर में जाने से रोकना चाहिए। और बहुत अच्छा किया कि ऐसे व्यक्ति को जो कि दुश्मन के साथ मिलकर और हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, मैं चाइनीज सफीर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसे लोग को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही है आपका। एक जाहिर बात है मौकफ है कर्नल साहब, और जाहिर बात है लोग उस मौकफ को पसंद भी करते होंगे, कोई आपके मुखालफ भी होंगे। पहली बात तो यह है कर्नल साहब कि आप जब अपनी सारी डिस्कशन कर रहे थे उसमें उनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कह रहे थे या दहशतगर्द कह रहे थे, हमारा मौकफ ये है और पाकिस्तान का मौकफ ये है और दुनिया के में बहुत सारे ममालिक का मौकफ ये है कि जिसे हम कहते हैं ना कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप उन्हें जो मर्जी कहें वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और आपको पता है कि आज तक दहशतगर्दी की डेफिनेशन तो कोई बनी कोई नहीं है, ये तो कोई फैसला ही नहीं हुआ कि दहशतगर्द कौन है, फ्रीडम फाइटर कौन है। 9/11 के बाद भी अक्वामे मुत्तहिदा भी इसमें कोई काम ना पेश कर सकी, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरियाज मौजूद हैं जहां पे लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली एक और एंगल से देखा जाएगा। कल साहब आपने बड़ी अहम बात की थोड़ी देर पहले, मैं उस पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस की बात की और बीजेपी की बात की, आप क्या समझते हैं कि जो बीजेपी की सियासत है इस वक्त उसने मैं उसको उसी हिंदू लेंस में रखना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं बीजेपी की सियासत ने कांग्रेस को कितना साइडलाइन कर दिया है, और राहुल गांधी जो है वो इस वक्त क्या कोई कमजोर लीडर है? क्योंकि जिस तरह कांग्रेस का एक मयार था या जो कांग्रेस का एक नाम है, और समझा ये जाता है कि कांग्रेस थोड़ी ज्यादा एक उनको प्रोग्रेसिव, लिबरल, अकोमोडेटिव
और इस तरह की जमात समझा जाता है, जबकि बीजेपी को जो इसका इमेज है ग्लोबल या जो रीजनल इमेज है वो ये है कि ये हॉकिश हैं, ये थोड़े एग्रेसिव हैं, हिंदू मजहब की बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स किधर जा रही है? नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 का इलेक्शन इकोनॉमी पे लड़ा, 2019 का इलेक्शन सिक्योरिटी पे लड़ा, कांग्रेस सिक्योरिटी को नहीं समझ पाई, मोदी साहब सिक्योरिटी पे ले आए। तो ये क्या तकसीम क्या चल रही, खिचड़ी क्या पक रही है? कांग्रेस अगले 2005 साल फिर खाए भाई, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस का, चलिए ऐसे शुरू करते हैं कि राहुल गांधी जो है वो लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। किसी भी मुल्क के अंदर, जो डेमोक्रेटिक मुल्क है, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, हमारे मुल्क के अंदर ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, और क्रेडिबल ऑपोजिशन का होना देश के लिए, देश के हित में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोटे तरीके से कभी नहीं देखना चाहिए, और हमारी सबकी उम्मीद है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कि हिंदुस्तान के अंदर एक क्रेडिबल जो आंसर है मोदी का वो मिले और वो सामने खड़ा हो। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी में ना वो मेच्योरिटी है और ना उस तरीके का उनके अंदर वो पॉलिटिकल एक्यूमन है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। उनकी बातें इतनी बचकानी होती हैं और इतने छोटे किस्म की होती हैं कि लोग अब उनसे चिढ़ने लग गए हैं। आम लोग जो है वो राहुल गांधी के नाम से चिढ़ता है या उसके ऊपर हंसता है, और चुटकुले ज्यादा आ गए हैं। तो उस आदमी को जहां तक उसका नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर स्टेचर है, वो अभी जीरो है। और तो ये तो रहे राहुल गांधी साहब। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने बहुत, देखिए कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो समझना, समझने के थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। जब हिंदुस्तान का तकसीम हो गया और पाकिस्तान बन गया और इंडिया बन गया, तब ये हुआ कि हिंदू जितने हैं और सिख जितने पाकिस्तान में हैं वो इंडिया में आएंगे, और इंडिया का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि मजहब के लाइन पर हमारा घर जो है तकसीम हुआ। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आपने घर तकसीम कर दिया, एक कमरा, आधा घर आपने उसको दे दिया, और फिर बोले कि यार तू एक कमरा यहां अपने लिए भी रख ले। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज्यादातर यही समझती रही, मेजोरिटी, कि महात्मा गांधी ने जो जो भूख हंगर स्ट्राइक कर दी थी कि भाई मुसलमानों को यहां से ना भेजा जाए, वो एक नाइंसाफी हुई थी। अगर आपके बीच में बंटवारा हो गया है और जब कहानी बिल्कुल सेटल हो गई है कि हिंदू इधर रहेंगे और सिख इधर रहेंगे और मुसलमान उधर रहेंगे, तो फिर इनको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। इसी को लेते हुए महात्मा गांधी के ऊपर गोली चली और ये कार्रवाई वहां से चली। अब इसके पीछे कई लोगों का मानना है, इसके पीछे सियासत क्या थी ये समझना बहुत जरूरी है। अगर सारा मुसलमान पाकिस्तान चले जाता तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाता, क्योंकि सब हिंदू ही होते, हिंदू होते, सिख होते, बौद्ध होते, ईसाई होते, यहूदी होते, यही लोग होते, क्रिश्चियन होते, तो ये एक हिंदू राष्ट्र बन जाता। तो एक तबके का ये मानना है कि महात्मा गांधी ने ये 14% मुसलमानों को इसलिए रोका कि उसका फायदा कांग्रेस उठा सके आगे आने वाले समय में, और यही कारण था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लाने की कोशिश करी तो नेहरू ने उसको रोक दिया। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक अटका हुआ है। उसके पीछे पॉलिटिक्स ये बड़ी सिंपल थी कि ये जो 14% का वोट रखो और जो हिंदू जो कम्युनिटी है उसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, दलित में, अपर कास्ट में, राजपूतों में, ब्राह्मणों में, और ऐसे डिवाइड करके और कास्ट पॉलिटिक्स प्लस मुसलमान को जोड़कर आप सत्ता पर काबिज रहो। और वो सक्सेसफुल रहे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस मुल्क पर राज किया, और ये धीरे 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 लोगों को ये बात समझ में आने लग गई। नरेंद्र मोदी ने
इस बात को बखूबी समझा और उसने इसी बात की पॉलिटिक्स करी और वो सफल भी हुए। अब मैं यहां पे ये कहूंगा कि वो सफल जरूर हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि अब वो 14% मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया है, वो इसी जमीन का बेटा है। अगर उसको ये लगता है कि मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, मैं अलग थलग हो गया हूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब को आगे कदम उठाकर और मुसलमान भाइयों को अपने गले लगाना पड़ेगा। ये देश की तरक्की का एक सवाल है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पॉलिटिक्स का थोड़ा रुख बदली करना पड़ेगा और इसमें बदलाव इसी तरीके से आएगा अगर हम, जैसा कि बीजेपी ये नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जीतना पड़ेगा। आज की तारीख में जब हम बात करें, सबका विश्वास अभी हासिल नहीं। बिल्कुल, बड़ी आपने खुले दिल से बात की कर्नल साहब, और आपने बताया कि बेसिकली बीजेपी और जो नरेंद्र मोदी साहब है वो इस पॉलिटिक्स में क्यों आए, और वो जो विश्वास है, वो जो ट्रस्ट है, वो भी जीतने वाला है, जारी बात है, क्योंकि यही चीज है कि जो इंडिया का इमरानी मुआहदा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो तभी मजबूत हो सकता है अगर तमाम स्टेक होल्डर्स की आवाज सुनी जाए और गवर्नमेंट उनको रिप्रेजेंट करे। कल सब एक सवाल है करतारपुर साहब कॉरिडोर पे, उसके बाद ये थोड़ा सा बस एक दो सवाल रह गए आपके लिए। कल सब करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है, आप क्या उसमें? मैं सॉरी, जी हाँ जी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो बैटरी अभी खत्म होने वाली है, तो नहीं मेरे नहीं ख्याल से इसको जल्दी, हाँ इसको बैटरी खत्म आखिरी हो जाएगी तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं बस मैं आखिरी सवाल ये कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम कर कल सब ये बताएं कि चलिए ये जो शुक्रिया। जी करतारपुर साहब कॉरिडोर है, इसको भारत में बहुत सारे लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट देखा, किसी ने देखा जी पाकिस्तान की चाल है, किसी ने समझा कुछ है। आप क्या समझते हैं कि करतारपुर साहब कॉरिडोर एक अच्छी मूव थी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए? पाकिस्तान ने जारी बात है ये बात शुरू की, तो आप इसे कैसे देखते हैं इंडिया में बैठ के, पंजाब में बैठ के या बाकी इलाकों में? देखिए ये जवाब जे तुसी पंजाबी च कहो, अग्री करो तो मैं पंजाबी च देना पसंद दियो करांगा। दियो दियो दियो। हाँ ये तुसी मेरे प्रोफाइल नु देखो इंटरनेट से, मैं एक सिख पलटन विच मैं नौकरी की है 20 साल, ते हिंदुस्तान दी फौज दे विच जेड़ा असूल है वो इस तरीके का है कि जे तुहाडे जवान सरदार हैगे है ते अफसर दा जेड़ा मजहब होंदा है वो सिख हो जांदा है। असी मतलब जे मेरी गल करिए करो तुसी या मेरे नाल दे जेड़े अफसरान की गल करो ते असी गुरुद्वारे दे विच बहुत विश्वास रखते हैं। इसे प्रकार साढ़े को साढ़े पलटना हैगियां जिदे विच मुसलमान अक्सरियत च हैगे ते उत्थे कंपनियां मुसलमाना दी प्योर मुसलमान कंपनियां हैगियां इंडिया च, ते उन्हां दे जेड़े कंपनी कमांडर जेड़े अफसर होंदे है उन्हां दा जेड़ा मजहब है पैदायशी मजहब भावें जो मर्जी होवे लेकिन जेड़ा फौजी मजहब है वह फिर उन्हों का मुसलमान हो जाता है। वो रोजे भी रखते हैं, वो मस्जिद जाके नमाज भी अदा करते हैं, तो इस तरीके का सारा फाइबर है। तुसी मेरे तो यह सवाल करतारपुर साहब बारे पूछे हैगा तो मैं पर्सनली बहुत खुश हाँ कि ये करतारपुर साहब कॉरीडोर खुले है, तो मैं भी उम्मीद करता कि किसी दिन मैनू मौका लगेगा कि मैं करतारपुर साहब के दर्शन कर सकांगा ते मैं उत्थे मत्था टेकांगा ते यही उम्मीद रखता है। इस तो अलहदा मैं करतारपुर साहब के हवाले ते मैं कोई पॉलिटिकल गल करा मैनू शोभा नहीं देगी। ठीक है ठीक है कल साहब, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, तुसा टाइम कढ़िया ते तुसा अपने जड़े ज्ञान ने, विचार ने, अपने थॉट्स जड़े ने वो साडे ऑडियंस ना शेयर कीते, और यकीन करके मनो एक वो जरा जवान जवान कर्नल होंदा है ना, जरा 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 दिलों गल्लां करन डे होंदा है, तुसा वो गल कीती, और माशाल्लाह व्यूअर्स ने कमेंट्स भी बड़े कीते ने, बाद तुसी वेख लेना। लेकिन मैं थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा करना फ्रॉम पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इसको डेफिनेटली देखा है और देखेंगे भी, और फीडबैक भी आएगा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर बात की है, जिसमें हमने करतारपुर से लेके इंटरनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। कल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, गॉड ब्लेस यू सर, खुदा सेम टू यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। हाफिज।